हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से, और जो टॉपिक हमने लिया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये क्वेरी हमें भेजा है ऋषिता जी ने, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब fx दिया है sin x upon x, और आपको उसका डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि fx क्वेश्चन में गिवन है, आपको चाहिए fx plus h का वैल्यू, मतलब जहां जहां क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहां x plus h पुट कर दीजिए। देखिए किस तरह से, ये कुछ इस तरह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब फॉर्मूला है जो फर्स्ट प्रिंसिपल में यूज किया जाता है, वो है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। बस इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। का वैल्यू हमने सेपरेटली निकाल लिया है, तो बस इंसर्ट करना है। तो एफ एक्स प्लस एच देखिए कितना है, ये है साइन एक्स प्लस एच अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स है हमारा क्वेश्चन, जो कि है साइन एक्स अपॉन एक्स और डिवाइड बाय एच, ठीक है। अगर आपको डिवीजन वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हुआ आपका एक्स और एक्स प्लस एच, तो कितना आएगा देखिए, ऊपर आएगा एक्स और साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एच और साइन एक्स, और डिवीजन में भी एच है जिसको रेसिप्रोकल कर दिया तो वन अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। अब जरा क्या करें, इस साइन एक्स को एक बार इस एच से मल्टीप्लाई और एक बार इस एच से मल्टीप्लाई, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स साइन एक्स माइनस एच साइन एक्स होल अपॉन एक्स एक्स प्लस एच, और ये वाला जो एच भी है वो भी डिनोमिनेटर में ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें से और इसमें से ये वाला x कॉमन आ रहा है, तो चलिए कॉमन निकालते हैं। देखिए ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, दोनों में से x कॉमन लिया तो आपके पास आएगा साइन x प्लस एच और माइनस साइन x माइनस एच साइन x होल अपॉन, वो एज इट इज, उसमें कोई आपको चेंज करना ही नहीं है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, तो साइन ए माइनस साइन बी का आइडेंटिटी लग रहा है, साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, ये होता है टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, तो ए माइनस बी अपॉन टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, तो ए प्लस बी अपॉन टू पूरा एंट्री लगाया होल अपॉन एक्स एक्स प्लस एच एच, और यहां पर आगे भी है एच साइन और एक्स, ठीक है, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, तो देखिए ये एक्स से एक्स यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स टू साइन एच बाय टू कॉस, और देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया टू एक्स प्लस एच अपॉन टू होल अपॉन एक्स एक्स प्लस एच एच। अब मैं क्या करता हूं, ये जो माइनस साइन माइनस एच साइन एक्स लिखा है इसकी लिमिट अलग कर देता हूं, ठीक है, और इसका डिनोमिनेटर की वैल्यू पूरी सेपरेट लिख देता हूं, मतलब ये वाला डिनोमिनेटर उसके नीचे भी आ जाएगा, तो आएगा एक्स एक्स प्लस एच और एच, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो साइन का एंगल है अगर एग्जैक्टली नीचे लिखा हो तो वन हो जाता है। अब साइन का एंगल एच बाई टू और मेरे पास सिर्फ है एच, तो मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड, तो उस नियम के हिसाब से ये पार्ट वन हो गया। मैं बताता हूं प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है लिमिट x टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x वन होता है, तो मेरा साइन का एंगल था h बाई टू, मेरे पास h मौजूद था डिनोमिनेटर में, तो मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो जिसकी वजह से ये वन हो गया। तो क्या बचा देखिए ना, लिमिट h टेंड टू जीरो x बचा, टू बचा, ठीक है, कॉस इसके नीचे भी अलग अलग कर दीजिए, तो ये आएगा एक्स प्लस एच अपॉन टू बचा होल अपॉन, देखिए एक्स बचा एक्स प्लस एच बचा टू बचा माइनस, ये एच से एच कट गया। अब क्या करते हैं, एच का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि एच पुट कर रहे हैं तो अब लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स, और वहां पर जीरो हो गया, और इनटू
x, क्योंकि h में तो 0 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0, अब यहां देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया इधर, अब यहां पर ही मैं अगर h पुट करता हूं तो फिर ये वाला लिमिट लिखने का मुझे यहां पर भी जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा देखिए x cos x, क्योंकि 0 / 2 तो 0 होता है, अपॉन फिर यहां x, फिर यहां x, और यहां बचेगा sin x अपॉन x स्क्वायर। यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर में x स्क्वायर ही आ रहा है, तो ये हो गया x cos x अपॉन x स्क्वायर माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। अगला स्टेप और देख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा x स्क्वायर आ गया एलसीएम आपका, ये आ गया x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा sin x अपॉन x का डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको cos x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो चलिए वही नियम अपना लगाते हैं फिर से। सबसे पहले जो fx गिवन है उसमें x plus h का वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब कि जहां जहां क्वेश्चन में आपको x दिख रहा हो वहां x plus h डालें, ठीक है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होता है, लिमिट x plus h माइनस fx होल अपॉन h, तो चलिए वैल्यू इंसर्ट करते हैं इनकी, cos x plus h का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस fx cos x स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन h। चलिए अगला स्टेप देखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, आप देख सकते हैं यहां पर cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लग रहा है, तो चलिए लगाते हैं, फॉर्मूला होता है माइनस 2 sin a माइनस b अपॉन 2 sin a प्लस b अपॉन 2। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूले को लगाते समय आप पहले साइन में माइनस वाला लगा दें या बाद में, वो एक ही बात है। तो माइनस टू साइन मैं पहले ए प्लस बी बाई टू करूंगा, तो ए प्लस बी बाय टू, फिर साइन ए माइनस बी बाय टू, तो फिर से ए माइनस, अब माइनस लगाते ब्रैकेट लगाइए, प्लस बी और बाय टू, और ये नीचे डिवीजन वाला एच है उसको इधर ही डिवीजन में इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन, चलिए अब ब्रैकेट खुलेगा यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो खोलते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 प्लस 1 हो गया 2 और प्लस एक्स स्क्वायर और होल के नीचे 2, ऐसे देखिए इधर भी खोलते हैं, तो साइन फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 होल अपॉन 2 और इनटू 1 बाय एच जो रेसिप्रोकल करके आया। लिमिट एस टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन, अब क्या कर सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, फिर एक एच स्क्वायर है, फिर एक है 2xh, ठीक है, और एक रह गया 2 होल अपॉन 2। अब देखिए अगले स्टेप पर, यहां पर x स्क्वायर से x स्क्वायर चला जाएगा और ये 1 से 1 भी चला जाएगा, तो देखिए क्या बचेगा sin, नाउ ये बचा आपके पास h स्क्वायर और प्लस 2xh और होल के नीचे 2 और इनटू 1 / h। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, क्योंकि नियम ये होता है कि जो साइन अगर आपके पास मौजूद है तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं उसे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिनिश कर देते हैं। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि यहां दोनों में ही साइन है, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इसमें दोनों साइन के एंगलों को मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1 बना लेते हैं, और जो कि क्वेश्चन में गलती हो जाता है। ध्यान इस चीज का रखना है कि जिस क्वेश्चन में आप एच कॉमन ले पाओ, मतलब जिस पार्ट में आप एच कॉमन ले पाओ उसको 1 बनाना है। देखो यहां दोनों में आपके पास h आ रहा है, देखो यहां आपको फायदा होगा इससे किस तरह से, वो देखिए मेरा लिमिट s टेंड्स टू, लिखा मैंने माइनस 2 साइन, ये सब एज इट इज लिख दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2 होल के नीचे 2। अब देखिए इस वाले को ही बनाना है मुझे 1, वो तो क्या करूंगा उसके लिए मैं कि यहां पर जो भी साइन का एंगल है उसे एग्जैक्टली मैं क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं एक बार, ठीक है, और एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमें नियम इस चीज का ध्यान रखना है कि, और ये वाला है नीचे, हमें नियम याद रखना है
कि जिसमें दोनों टर्म में से एच कॉमन आ सके, मान लो तीन टर्म होते तो अगर तीनों में से एच कॉमन आ सके उसी को वन बनाना है। अब देखिए यहां सब में एच मौजूद नहीं है तो इसको वन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये आपके फाइनल आंसर में आएगा। तो देखो अगला स्टेप क्या है, अब नियम अनुसार जो साइन का एंगल है अगर वो डायरेक्टली नीचे आ जाए, देखिए पूरा एग्जैक्टली नीचे आया तो ये वाला पार्ट वन हो गया। अब इसका अगला स्टेप देखिए, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन, तो जो एज इट इज लिखा रहने दीजिए, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है अभी, ठीक है, अगला स्टेप देखेंगे तब आपको क्लियर होगा ज्यादा, ठीक। अब यहां देखिए ऊपर से h कॉमन आ रहा है, क्या बचा h प्लस टू एक्स अपॉन ये वाला 2 और ये वाला h। अब देखिए फायदा क्या हुआ, ये h से h चला गया। अब आप क्या करिए, पूरे क्वेश्चन में जहां जहां h है वहां जीरो पुट कर दीजिए आप, क्योंकि आप जीरो पुट करेंगे तो ये वाला लिमिट लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, प्लस टू अपॉन टू, यहां देखिए ये जीरो हो गया, तो 2x और अपॉन 2, तो यहां से 2 कॉमन ये वाला 2 चला गया, तो फाइनल आंसर आया माइनस टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये भी चला गया x, इस x को आगे ले आइए तो माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारा फाइनल आंसर। अगर हम सिंपल सिंपल डेरिवेटिव भी करते कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन का तो फाइनल आंसर हमारा यही आता। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।